हेलो दोस्तों, कोटर टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्कशॉप कंप्रेसर किस तरीके से बनाते हैं। वर्कशॉप कंप्रेसर का क्या काम होता है? वर्कशॉप कंप्रेसर हमारे फ्रिज एसी में जब गैस चार्ज करते हैं उस टाइम पर अपने वैक्यूम करने के लिए प्रेशर डालने के लिए फ्रिज में लीकेज चेक करने के लिए प्रेशर डाला जाता है। तो उस प्रेशर डालने के लिए अपने वर्कशॉप कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो अपने साधारण एक फ्रिज वाला कंप्रेसर है, इसे हम वर्कशॉप कंप्रेसर बनाते हैं। इसमें क्या क्या करेंगे, एक तो डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन पर हम एनआरयू वाल्व लगाते हैं। एनआरयू वाल्व मतलब दोस्तों आपको बताता हूँ मैं, एनआरयू वाल्व क्या होती है। एनआरयू वाल्व इस तरीके से होती है। आरयूवी का पूरा नाम होता है नॉर्थ रिटर्न वाल्व। अगर हमें पता नहीं है कौन सी सक्शन लाइन है कौन सी डिस्चार्ज लाइन है, तो हम कंप्रेसर को चालू करके देख लेंगे। जिससे हमने गैस खींचेगा वो अपने सक्शन लाइन होगी, और जिससे गैस फेंकेगा वो डिस्चार्ज लाइन है। दोस्तों हमने कनेक्शन कर चुके हैं, एक लाइन हम कॉमन वाले पर देते हैं, दूसरी लाइन हम रनिंग वाले पर देते हैं। इसमें कैपेसिटर भी जोड़ा जाता है। इसमें 3 पिन वाला अपने पीटीसी रिले है, जैसे इसे चालू करेंगे हम। अगर आपने कॉमन रनिंग स्टार्टिंग किस तरह से पता करते हैं तो हमारे चैनल पर पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो वीडियो देखिए। जैसे अपने चालू हो चुका है, जैसे अपने गैस को फेंकेगा वो अपने डिस्चार्ज लाइन है। ये अपना डिस्चार्ज लाइन है, कौन सी दोस्तों? ये अपने डिस्चार्ज चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, दोनों में से किसी को भी सक्शन बना सकते हैं और किसी को भी चार्जिंग बना सकते हैं। ये दोनों अगर एक को बंद कर देंगे तो ये दूसरे से अपने गैस खींचेगा। तो ये एक को पंच कर देंगे और इन दोनों में हमने एनआरयू लगा देंगे, तो ये अपना वर्कशॉप कंप्रेसर बन जाएगा। मैं आपको करके बताता हूँ एनआरयू। इसके एक लाइन पर हम एनआरयू लगा लेंगे, जो सक्शन लाइन है, सक्शन लाइन पर हमने एनआरयू लगा चुके हैं। उसी तरीके से डिस्चार्ज लाइन पर अपने एनआरयू लगानी है। जो अपने डिस्चार्ज लाइन है, चार्जिंग वाली लाइन को हम पंच कर देंगे किसी के माध्यम से, किसी पिलार से या किसी चीज़ से दबाकर हम इसे वेल्डिंग कर देंगे। ये अपने बंद हो जाएगी, प्रेशर डालेंगे तो हम इस लाइन का प्रयोग करेंगे डिस्चार्ज लाइन का, और जब वैक्यूम करेंगे तो सक्शन लाइन का प्रयोग, तो अपने सक्शन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो आपको पता चल चुका होगा अपना वर्कशॉप कंप्रेसर किस तरीके से बनाते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।